हॉस्टल में रह रहे हैं और कितने पैसे दे रहे हैं? 22,000। हम ये वाला जो एरिया ना, इस एरिया में सारे बॉयज के हॉस्टल हैं। इवनिंग वाले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हॉस्टल नहीं मिले, सब हॉस्टल्स के अंदर गीजर लगे हुए हैं। हम हॉस्टल में आ गए हैं तो ये जो सामने ये हॉस्टल 8 है, ऐसा चाहिए हॉस्टल सबसे बड़ी भी है। मैं इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं एक्सप्रेस करके बता सकूं आप लोगों को कितनी पे। वैसे जब लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं ना तो वो हॉगवर्ड्स वाली एक्सपेक्ट। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस टाइम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मेरे पीछे है, ठीक है, वो है बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट और है बायो इन्फॉर्मेटिक का डिपार्टमेंट, ठीक है? तो ये अपने डिपार्टमेंट है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल। कौन से हॉस्टल में जा रहे हैं यूनस? हॉस्टल 6। हाँ, हॉस्टल 6 के अंदर, ठीक है, क्योंकि न्यू एडमिशन हो रहे हैं। तो हमारा आज का सीन ये है कि हम आपको हॉस्टल 6 का विजिट कराएं। मतलब कह रहे थे बॉयज़ के कितने हॉस्टल है? हॉस्टल 6 है बॉयज़ का, हॉस्टल 7 है, हॉस्टल 8 है, हॉस्टल 9 है, 11 है, 5 है मेरे ख्याल। ठीक है, 5 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के। पांच हॉस्टल जो हैं वो बॉयज़ के हैं और 2 हॉस्टल जो हैं वो एमफिल वालों के लिए हैं, ठीक है? तो मतलब टोटल 7 हॉस्टल बॉयज़ के हो गए। बाकी गर्ल्स का हॉस्टल्स का कभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, 2 या 3 है, क्योंकि मैं यूनस के साथ रहता हूँ। तो फिर अगर आपने यूनस के साथ रहना है फिर आपको बहुत कंजर्व होकर रहना पड़ता है, आप लोगों को पता नहीं है। तो हॉस्टल 6 का रास्ता बड़ा अजीब है, ठीक है? ये जो सामने है ना, ये जो देख रहे हो आप छोटा सा रास्ता, ये घासी, ठीक है, ये सारा हॉस्टल 6 का रास्ता है। इधर से आप जाओ तो हॉस्टल 6 आपको नज़र आता है, ठीक है? तो मतलब रास्ते बड़े अजीब हैं। बाकी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की बात ये है कि आप लोगों को मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी आके पता नहीं लगेगा कि यूनिवर्सिटी कब शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। अपना भैंसें, अपना हर किस्म का जानवर ना, आपको डाइवर्सिटी बहुत है। पठान, बलोच ये तो है ही है, बट बाकी हर किस्म का जानवर आपको देखने को मिलेगा। यूनस बिल्कुल सा छोटा सा एक डाइवर्स किस्म का गांव है। एग्जैक्टली। तो अब हॉस्टल 6 का ये सामने वाला रास्ता है सीधा, ठीक है, ये जा रहे हैं, देख रहे हो पूरा, देखा ना दूर से हमने देखा था, हमें लग रहा था कि पता नहीं कुछ जंगल है, ये पता नहीं कौन लोग हैं। अपने बाइक पे भी जा सकते हो आप लोग, लेकिन ये एक देखा ना मतलब बाकी बस यही सीन है, मतलब ख़तरनाक सा रास्ता है। इधर से आप जाओ अपना सुकून से, तो लगता है कि पहली दफ़ा आप जाओगे ना आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ जा रहे हो, मतलब कब जगह लगेगी, क्यों यूनस ऐसे है कि नहीं? एक गाँव है। हाँ, ये देख रहे हैं, पूरी देख रहे होंगे आप जगह किस तरह की जगह है। क्या ये देखें मुर्गियाँ, ये देखिए यूनस, अब आपको मुर्गी पकड़ के दिखाएंगे। चलें यूनस, मुर्गी अभी आपको यूनस मुर्गी पकड़ के दिखाएंगे, देखना कितनी प्यारी। पकड़े पकड़े पीछे लग जाओ। और यूनस पकड़े अभी यार, यूनस मैं पकड़ता हूँ यार, पकड़े यार, मैं मुर्गी पकड़ेंगे यार हम। आ जा आ जाएगा, बाद में पकड़ते हैं यार। पकड़ लेते लेकिन वो घर वाले समझ रहे थे हम चोरी कर रहे हैं, तो चोरी तो आपको पता है ये काम नहीं। बाकी ये रोड है, रोड नहीं है ये अपना की यूनस इन की आख सकते हैं, गुजरगाह है। हाँ, स्टूडेंट्स खुद, ये हॉस्टल भी खुद स्टूडेंट ने ना खुद मजदूरी करके बनाए हैं, मतलब यही साहब है। अच्छा गाइज, अभी यूनस आपको बताएगा हम ये वाला जो एरिया ना, इस एरिया में सारे बॉयज़ के हॉस्टल हैं, ठीक है? तो यूनस प्लीज़ आप हमें बताएंगे कि कौन से हॉस्टल्स का किस नाम बता दें हॉस्टल्स के। ये जो सामने ये हॉस्टल 8 है, ये हमारे पीछे हॉस्टल 11 है, ये सामने हॉस्टल 9 है, वो उधर जो नज़र आ रहा है वो हॉस्टल 12 है और वो गर्ल्स का। और पीछे हमारे सीनियर आ रहे हैं, ठीक है, हमारे बायोटेक डिपार्टमेंट के, रैंडम, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो इनसे हम पूछते हैं कि किस हॉस्टल में रह रहे हैं और ये कितने पैसे दे रहे हैं और क्या क्या हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आप भी यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो आपने बताना है आप किस हॉस्टल में रह रहे हैं और कितने पैसे दे रहे हैं और आप किस तरह हाँ, वो दे भी रहे हैं या नहीं, इलीगल रह रहे हैं तो वो भी बताना। इलीगल स्किल भी हमारे नहीं नहीं, हम तो इलीगल नहीं है, हम लीगल बंदे हैं और हम दे रहे हैं तकरीबन 22,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर हम दे रहे हैं और हॉस्टल 11 में है और ये सबसे अच्छा हॉस्टल है। सही है। और कुछ आप इस जगह के बारे में बताना चाहें न्यू कमर्स के लिए? यार मेरे ख्याल में न्यू कमर्स के लिए तो यहाँ पे इतना जल्दी अलॉटमेंट नहीं मिलेंगे, 4 सेमेस्टर तक मतलब उनको मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब ग्रेजुएट भी हो गए लेकिन अभी भी रह रहे हैं, तो
मेरा ख्याल नहीं है कि इसी हॉस्टल में स्पेसिफिकली इस हॉस्टल में नहीं मिलेंगे। और कोई बात? बस यार और कुर्ब नहीं है, मैं तो थका हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने सेफ्रॉन की टी पीनी है तो सेफ्रॉन की टी मिलती है? नहीं सिर्फ ये हमारी रूम में मिलती है। नहीं क्या, बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है सर, मैं ओके थैंक यू। थैंक यू। अपना वैसे खाने का सीन सही है ना यहाँ, कैफे वगैरह? हाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है, कह रहे हैं कि मतलब नॉर्मल है कैफ़े का सीन। तो बाकी हमारा एक दोस्त है तो उनसे उनके रूम में जाते हैं, रूम सबके ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। क्यों जी? ऑलमोस्ट सेम रूम है, कुछ टू सीटर हैं, कुछ फाइव सीटर, कुछ जा रहे हैं अपना किसके, अपने दोस्त के जा रहे हैं। हमाद आप लोगों ने देखा होगा उसका, उस मेरे ब्लॉग में काफ़ी देखा होगा आपने। सही आ रहा हूँ, मतलब मैं बैग शेक सही, शर्ट बुरी तो नहीं लग रही? नहीं सही लग रही इस, यही लोकेशन आ जाओ चलते। अच्छा गाइस, एक तुम लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम लोगों को बता दूं कि अगर तो आप कायद अजम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और अगर आप इवनिंग के स्टूडेंट हो तो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स को कायद अजम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ रोड आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, कोई रोड नहीं है, खुद बनाने पड़ेंगे रोड, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, कोई रोड नहीं है, ठीक है। सिंपल कोई मैंने सिनेमेटिक शॉट्स नहीं बनाए, ओरिजिनल मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, मतलब धूप इतनी है यहाँ, इतनी गर्मी है, नज़र ही नहीं आ रहा कि स्क्रीन नज़र ही नहीं आ रही, फिर भी मैंने शॉट लिए हैं। तो ओरिजिनल सारे सीन है, कोई कलर ग्रेडिंग वाला साफ नहीं है, तो बस यही सिंपल सीन है। कि किस हॉस्टल में जा रहे हैं अभी हम? हॉस्टल सिक्स में जा रहे हैं। हॉस्टल सिक्स के अंदर जा रहे हैं, मतलब सेम हॉस्टल है। तो हॉस्टल सिक्स मुझे पर्सनली सबसे, मैंने कभी हॉस्टल वैसे ऐसे देखे नहीं है, बट जो हॉस्टल सिक्स है वो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हॉस्टल सिक्स के अंदर आप तुम लोगों को थोड़ा रूम दिखाते हैं, रूम के अंदर क्या हिसाब है, ठीक है। ऑलमोस्ट बाकी मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन, ये पूरा व्लॉग आप लोग देखो तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है जगह, ठीक है। तो बाकी यूनुस आप कुछ बताना चाहें? नहीं तुमने काफ़ी कुछ बता दिया, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ सारे हट्स अपना सारा हट्स में मतलब आपको मतलब मुनासिब रेट्स पे आपको खाना भी मिलेगा। हो गया गीजर वगैरह किसी किसी हॉस्टल पे लगे हैं, किसी किसी नहीं, ऑलमोस्ट सभी में लगे हैं। हाँ अच्छा सब, हाँ ऑलमोस्ट सब हॉस्टल्स के अंदर गीजर लगे हुए हैं, बाकी एसी नहीं है। अगर आप लोगों को गर्मी गर्मियों में एसी के लिए आई थिंक स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ परमिशन के बाद एसी के लिए आप परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे एसी और आपको परमिशन नहीं मिल रही तो आप मेरा व्लॉग लगा सकते हैं, ठंड हो जाएगी। तो गाइस अब डिपा इस हॉस्टल की सबसे ख़ास बात देख सकते हैं, इधर से इस हॉस्टल की एस्थेटिक चीज़ शुरू हो जाती है। और ओह माय गॉड, धमाका, ओह गाइस ये क्या था यूनुस? ये हमारे इस्तकबाल में ढोल बजे क्रिकेट बॉल खेलना, अपने हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। ग्रीनरी देख सकते हैं आप कितनी है, फ्रेश एयर, किसी भी किस्म की आपको बीमारी नहीं होने वाली यहाँ, ठीक है। तो बाकी और कोई भी किसी भी किस्म का आपको मसला यहाँ पेश नहीं आने वाला, बहुत थोड़े बहुत मसले होते हैं हर हॉस्टल में, बट इतने कोई है नहीं, ठीक है। बाकी अपना ये हमें खुद नहीं पता ये कैसी चीज़ है यार, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ये हमें भी नहीं पता। ये अब हर चीज़ हम बता देंगे तो फिर आपका आएगा काम, आप क्या एक्सप्लोर करेंगे, कुछ आपके लिए भी छोड़ देंगे। अब आपने खुद यहाँ आना है और आपने एक्सप्लोर करना है कि यहाँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताना है कि हमने एक्सप्लोर किया और ये हमें पता लग गया ये क्या चीज़ है यहाँ। हाँ सर, तो जी अपना ये देखिए यहाँ मुर्गियाँ शुर्गियाँ नहीं है, यहाँ नहीं था वो शुरू में था अपना जो था, यहाँ हो भी सही तो पक जाती हैं, हो भी सही तो पक जाएंगी। तो बस ये चीज़ है, बाकी अब रूम के अंदर जाके तुम लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा, अच्छा तो यार सीन ऐसे है कि हमारा जो क्लासमेट है हमाद, तो उसे हमने पूछा है कि वो रूम में है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम उसे नहीं बता, वो उसने कहा है वो है रूम में, तो अभी हमने उसे नहीं बताया कि अपना वो क्या उसे कहते हैं कि वो हम आ रहे हैं व्लॉग करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप रियल देखें, ठीक है। और रियल सीन है, ऐसे मैं बता दूंगा कि आप अगर साफ सूफ कर ले या कोई बता दे तो रियल उसका मतलब बनाएंगे, ठीक है, पूरा बेस्ड ऑन रियल थिंग्स। तो ये सीन है, ठीक हो गया। तो अभी हम हॉस्टल में आ गए हैं, तो मेरे पीछे से तुम लोगों को हॉस्टल का रूम थोड़ा बहुत शायद नज़र आ रहा हो, तो अब मतलब
लोगों की प्राइवेसी है तो मैं नहीं जा सकता, क्यों शेफ? हाँ ये बात है, प्राइवेसी तो नहीं ना हम डिस्टर्ब कर सकते? नहीं यार, तो प्राइवेसी पे लोग बहुत ज़्यादा ना लोग माइंड करते हैं, बिल्कुल डाउट होता है। तो अभी शेफ एंड हमाद हमारे साथ हैं, ये हमें विजिट करवाएंगे। तो हम लोग तो बस काफ़ी अरसे से रहे हैं हॉस्टल में और हमारी टोटली अलग एक्सपीरियंस है डिस्कॉलर्स के साथ कंपेयर करके ना। और अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी हॉस्टल। सबसे पहले ये तो हमारी लेफ्ट विंग है, यहाँ की ग्राउंड, सामने जो दिख रही है अमरूद वो इंजीर पीच वो अपना वो मैंगोज आ गया, ये अपना अनार, ये अनार भी छोटा सा दिख रहा है, ये देखेंगे ये अनार, तो ये अपना अमरूद हो गया। आपको हर किस्म का फल, पूरे अपना पूरा बाग है भाई, अपना पूरी ना फूड इंडस्ट्री है लगी हुई यहाँ गाइस, पूरा सीन है। अब आपको टीवी दिखा, टीवी तो वैसे तो बंद है, ये टीवी जब यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना PSL वगैरह तो फुल पर हाउस फुल होते हैं जिस तरह सिनेमा में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना मैच वगैरह देख सकते हो, ठीक है। वैसे है थोड़ी कन्वेंशनल मेथड्स वाली पुरानी थीम ना, क्योंकि हॉस्टल बना है तकरीबन 2002-2004 में ना, तो वही फर्नीचर एंड वही टेक्नोलॉजी अभी वो। ये मेस है जो कि इस टाइम पे ताला लगा हुआ फिलहाल, ठीक है, अभी एक्सेसिबल नहीं। अच्छा यार शुएब, एक बात बताओ, जो आपने अभी हमें फ्रूट खिलाए हैं वहाँ से तोड़ तोड़ के खिलाए हैं? बस ऐसा ही कुछ समझो, क्योंकि उधर से मैंने थोड़े थे, फिर हमने उसको जो है ट्रीट किए थे कार्बाइड से और फिर हमने खाए थे। तो इधर से ही कोई मेहमान आया, इधर ही फ्रूटों की कोई दरख्त लगे हुए हैं, अपने एग्जाम में जो मार्क्स आए ना इस इंजीर की वजह से रोज सुबह यही खाते रहे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर हमारा ओ ये हमारा स्टडी रूम, टॉपर्स आपके यहीं से निकलते हैं। अच्छा, फिलहाल तो खाली, लेकिन एग्जाम की रात ना यहाँ पे जगह भी नहीं मिलेगी, सारी होती है। एंड इस तरह स्टडी रूम की खामी सिर्फ ये है ना कि आप इंटरनेट में सिग्नल यहाँ पर वैसे ब्लॉक होते हैं, तो कॉल वॉल वगैरह नहीं होती, वाईफाई थोड़ी स्लो होती है यहाँ पे सिग्नल। और दूसरी बात जो हर हॉस्टल में एक स्टडी रूम एक टीवी रूम अवेलेबल होते हैं, सिर्फ इस हॉस्टल में नहीं है, बाकी सारे हॉस्टल्स में प्रेजेंट है। मैं खुद जिंदगी में पहली दफा हॉस्टल विजिट कर रहा हूँ ताकि अपने चैनल के लिए बना सकूँ अपना प्रेयर रूम का, इबादत का प्रेयर रूम अपना। हम राइट विंग पे आ गए, ये क्या है वो जानते हो? वो जैक नहीं, ये वो है अपना गाइस, ये नहीं नहीं वो नहीं, इसको कहते हैं अपना ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, वो पिंक पिंक तो होता है ना, ये माल्टे टाइप का। लेकिन ये पता नहीं, इसको हम मैंने दो दफा काटा है का तोड़ के, इसको मैंने काटा है, लेकिन पता नहीं ये क्या चीज है, मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा गाइस, ये फिर हम हाँ आप लोग चाहें तो इस पे रिसर्च करें, तो ये चीज आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है, चीज क्या है, क्यों शेफ कुछ ना कुछ तो ये भी एक्सप्लोर करें ना, हम ही सब कुछ विजिट करें, हम ही सब कुछ बता देंगे, तो ठीक है। तो बाकी आप ऊपर जा रहे हैं, अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर था। तो बाकी ये वॉशरूम भी है थोड़े बहुत, हर दिखा दी ऊपर नीचे दोनों फ्लोर्स पे, तो इन टोटल 8 वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम्स आर गुड, वॉशरूम्स हां लाइक सूटेबल है, ओके अच्छे हैं, सफाई होती है, तो इससे ज्यादा शावर और जो क्या कहते हैं टॉयलेट, ये दोनों अलग-अलग है। ये है वो रास्ता जहां से हम ऊपर जा रहे हैं, वो नॉस्टैल्जी, तो ये सारे मेरे क्लासमेट थे, हम आज भी मेरा क्लासमेट है ये शुएब, ये भी मेरा क्लासमेट, विनस ये हमारा CR है, ठीक है। तो आप लोगों को बताते जाएं हम, बाकी जो इस हॉस्टल कायदे आज़म के हॉस्टल्स की ये बात है कि कोई चीज़ कम नहीं है, हर चीज़ अबंडेंटली अवेलेबल है, अगर वो स्पेस हो, अगर वो इंटरनेट कनेक्शन हो, या स्टडी रूम के लिए जगह हो, अगर वो वॉशरूम्स की यूजेज हो, वाटर कूलर्स हो, कुछ भी हो ना, तो वो ज़्यादा अवेलेबल है एंड कम नहीं है एज सच, तो ये बात है एंड दैट्स द प्लस पॉइंट। बाकी यार ये चीज़ ना, ये वेदर, पहाड़ की व्यू, ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी नहीं है। हॉस्टल्स मतलब ये जो चीज़ है ना इसकी, ये मैं भी कहूँगा, मतलब जो अपना नेचुरल चीज सीन है ना यहाँ का, ये बेस्ट है, दिस इज़ द थिंग। हाँ यहाँ से देखते हैं, हाँ ये फ्रूट है भाई, मतलब फ्रूट का मसला ही कोई नहीं, कोई मेहमान आए इधर से तोड़ो काटो, बस आपको एक चाकू की जरूरत है, ये चीज़ ओह दिस इज़,
इंजॉय करना हो ना ईमान, तो सुबह की नमाज पढ़ के यहाँ पे ये जो सूरज निकलता है जिस टाइम सनराइज वहाँ से होती है हमारी, उस टाइम इसको देखो वल्लाह दुनिया में यार मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा रिफ्रेशिंग चीज। सही बात है, मैं खुद यहाँ पहली दफा आया हूँ और ये मतलब आते ही द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज सुपर नाइस। यहाँ पे अगर तुम्हारे जिस तरह का भी मौसम हो, अगर क्लाउडी हो या रेनी ना, तो वो पहाड़ों की तरफ से तुम्हारी तरफ आते हुए वो व्यू तुम देख सकते हो यहाँ पे। यू कैन लिटरली विटनेस इट एंड एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस होगा तुम्हें। लाइक बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा क्लाउड तुम्हारी तरफ लाइक सामने से आ रहे हो ना एक लो लेवल लैंडस्केप पे, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे जो जाते हो वो तो कॉमनली मिल जाते हैं ना देखने को, लेकिन यहाँ पे जो एक लो लेवल लैंडस्केप या हाई अल्टीट्यूड जब तुम्हारी कम हो ना, तो खुद ब खुद तुम यहाँ से देख सकते हो यहाँ के टेरेस से। एंड ग्रीनरी तो तुम वैसे ही देख सकते हो यार, कितनी ज़्यादा है आजकल के मौसम। बस अब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं एक्सप्रेस करके बता सकूं आप लोगों को कितनी प्यारी जगह है। क्यों फेब यू आर नॉट आउट ऑफ वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन द प्रीटीनेस ऑफ दिस दीज हॉस्टल्स। इस लाइन की ट्रांसलेशन करके नीचे लिखे। अच्छा ये मेस है हमारा, मेस का ये जगह ये बहुत प्यारा होता है जब मेस में फुल हो जाता है ना, तो लोग बाहर आके बैठ के खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में दरख्त के नीचे नहीं नहीं, यहाँ पे तो इनका क्या कहते हैं छोटी सी किचन है अंदर जाके, यहाँ से वो मेस चूंकि नीचे बंद था हमने दिखाया दरवाजा लॉक था, लेकिन अंदर वो जो मेस का एंट्री वो यहाँ से नजर आता है अंदर से जाके। सही सही, तो इनका पूरा मेस है, लेकिन आप बाहर भी जिस तरह हट्स पे बाहर जाके नहीं खा सकते, तो वो मेस यहाँ पे सेकेंडरी दरवाजे से बाहर निकल के एक क्या कहते हो लॉन में बैठ के भी खाना खा सकते। और हमारे साथ यहाँ पे एक हादसा आया था जो कि मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के बाद। ओके 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 गाइस, ना बाकी ये सारा हॉस्टल का विजिट करवा दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो और कोई जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, ठीक है, शुएब हमाद यूनस, आप लोग उनको हॉस्टल के रिलेटेड कोई बात बताना चाहो, कोई टिप, एक एक टिप हॉस्टल से रिलेटेड। हम उनको यही बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग जो है ना इफ़ यू लाइक टू एंजॉय द स्टार्टिंग डेज, क्योंकि इनिशियल जो डेज होते हैं कायदे आज़म के वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आपने वो इन्जॉय करना है, अगर आपने पंक्चुअल बनना है, तो इट्स माई हम्बल सजेशन कि आप जो है ना वो बंदा बारक हो मेरे यहाँ पे, थोड़ा बहुत जो है ना बंदा अनडिसिप्लिन बन जाता है ना, लाइक आप किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती ना, बस में सो जाइए वो, बाकी कायदे आज़म के हॉस्टल्स आर पैराडाइज। हाँ अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि वैसे जब लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, तो वो वही वो हॉगवर्ड्स वाली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आऊँगा वही ऐसी यूनिवर्सिटी होगी हाई फाई बिल्डिंग, लेकिन वो जब यहाँ पे आके देखते हैं कि बिल्डिंग जो है वो वही पुरानी कंस्ट्रक्शन है वही है, तो उनका वो मूड ही थोड़ा ऑफ सेट हो जाता है। तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है इन पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर जो मेमोरीज बनते हैं ना, वो भाई आपके उस न्यू बिल्डिंग्स में नहीं बन सकते। एंड वो जो फ्रेशली अलाइंड रोड्स होती है ना, यहाँ की जो नेचुरल और पुरानी जो इतनी भी ट्रेडिशंस और कल्चरल वो तुम्हारे सेटबैक्स होते हैं, तो वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, इन्हीं पुरानी बिल्डिंग्स में ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड यू कैन हैव अ ग्रेट प्लस टू यूनस। न्यू कमर्स यार, असल में मैं क्योंकि हॉस्टल का रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए ये दो बंदे हम साथ लाए हैं, ये आप लोगों को बेहतर गाइड करेंगे। हमने जो गाइड करना था वो हम वीडियो के पहले गाइड कर चुके हैं। ये किसी और हॉस्टल में रहता है जो काजम से बाहर का हॉस्टल है, तो अगर आपको फिर यहाँ नहीं मिलता तो फिर आप यूनस का नंबर में आए अपने कमेंट सेक्शन में, इसकी अपना बहुत ज़्यादा जगह मौजूद है। एक्सैक्टली, तो अगर आप इसके साथ रूम में रहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। क्यों यूनस? बिल्कुल, ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ऑप्शन है, ये सिर्फ उसके लिए जो लाइक करेगा, जो लाइक करेगा वीडियो, लाइक करे, जो सब्सक्राइब करके शेयर करे, एग्जैक्टली लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को ऊपर लेके जाए, ये बातें हैं, ये बातें फिर वो यूनस से رابطہ करे, वो यूनस अपने रूम में उसे अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है यूनस, आपकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन नीचे कर दूंगा, नहीं अपनी कर दो वहां से। चलो हाँ, मेरे से रब्ता कर लेना, मैं फिर यूनस का नंबर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच हमाद फॉर टेलिंग अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गुड बाय गाइस, क्या कहते हैं हमाद एंड में, पीस आउट, क्या कहते हैं? चाओ चाओ गाइस, चाओ।